ये गाड़ी है दोस्त, ठीक है। प्लस और इसमें चेक लैंप एक तो आ रहा है, इसको पहले स्कैन करते हैं। ये सीट्स हैं, स्कैन करने पे जो आ रहा है इश्यू मिनी रिले ओपन, इसको इरेज करते हैं तो ये चला भी जा रहा है। अब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है और ना ही कोई कोड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक तो सबसे पहले जब हम सेल मारते हैं इसमें तो ये देखो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये लाइटें आ रही है जा रही है, वापस से इसको स्कैन करेंगे हम। स्कैन करने में कोई कोड नहीं है, लेकिन कभी कभार जो है ECU मिनी रिले का कोड आ जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो लाइट है वो कभी कभार रहती है और कभी कभार नहीं भी रहती, तो इसका मैं प्रॉब्लम आपको एक बार बताता हूँ। हमने इसका वायरिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, बैटरी भी हमारी ओके दिख रही है और यहाँ के फ्यूज़ भी ओके हैं। जो है फ्यूज़ में जो है एक फ्यूज आता है हमारा, ये जो वाइट जो हमारा ये वाला फ्यूज़ है, ये आता है हमारा फैन का, और ये होता है हमारा कैबिन में जो इग्निशन वगैरह जाता है वो इसका फ्यूज है। तो फिलहाल तो ये हमने चेक कर चुके हैं नीचे तक पूरी वायरिंग को, लेकिन कहीं फॉल्ट नहीं मिला। फॉल्ट इसका है वो वहाँ पे ले चलता हूँ। इसका यहाँ पे ऑल्टरनेटर के इस साइड में यहाँ की जो वायरिंग है वो थोड़ी डैमेज है, जैसे कि मैं इसको हाथ लगाता हूँ ऐसे, अगर वहाँ देखा गया लाइट बंद चालू हो रही है, देखिए जैसे आड़ा बंद, ये वापस किया चालू, बंद चालू हो रही है। तो यहाँ की जो वायरिंग है यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर नीचे से मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर है वायरिंग, ये वाली जो वायरिंग है ये यहाँ पे आ चुकी थी, यहाँ पर ऐसे अंदर दबी हुई थी। इसको जैसे हम ऐसे हिला गए तो इग्निशन ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर, यहाँ पे थोड़ी वायरिंग घिस भी चुकी है, तो ये सबसे पहले रिपेयर करेंगे हम वायरिंग को। अब जो कि है वायरिंग तो खोल दिया है, ठीक है। वायरिंग जो है अल्टरनेटर के पास से है, यानी अल्टरनेटर की वायरिंग है, देखिए इसमें लिखा हुआ है अल्टरनेटर, ठीक है। ये अल्टरनेटर में से ये मैंने खोला है, जो कि यहाँ से यहाँ पर आती है, यहाँ नीचे की साइड में, क्योंकि अल्टरनेटर का मेन और लाइट वगैरह ये वायर होते हैं, अर्थिंग होता है। ये जो है लाइट का है अल्टरनेटर की, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है। और ये जो है एक वायर, ये अर्थिंग है अल्टरनेटर, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है कि किस चीज़ का वायर है। तो ये अल्टरनेटर की वायरिंग है, और यहीं से जो है हमारा वायर जो है कट हुआ है कि ये रहा, ये जो वायर है ना ये कट हुआ हुआ है। जैसे यहाँ पे अड़ता था अंदर की साइड में, तो जो है हमारी लाइट आती थी, तो ये प्रॉब्लम है। और ये हम जल्दी से रिपेयर करेंगे सबसे ज़्यादा को, ये रिपेयर करने के बाद हम जो है गाड़ी को टेस्ट करेंगे ये गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम है या नहीं। सो इसकी वायरिंग जो है हमने बना दी है, ठीक है, अल्टरनेटर की वायरिंग प्रॉपर बना दी है। अब वहाँ पे जो लाइट है वो हमारी बंद चालू भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं हिला रहा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा कि हमने वायरिंग बना दी है ठीक से। अब जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारी गाड़ी कंप्लीट स्टार्ट भी हो रही है, गाड़ी कंप्लीट स्टार्ट हो रही है, और ये हमने स्कैन किया हुआ है, एक भी कोड है नहीं अभी। गाड़ी प्रॉपर ओके हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।